तो लास्ट वीडियो में जॉन सीना 16th एंट्रीज तक सर्वाइव कर गए थे। अब देखना ये है कि रोमनेस कितनी एंट्रीज तक रॉयल रंबल में सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर का नंबर आएगा। फिर अगर आपने जॉन सीना वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और जॉन सीना में कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो रॉयल रंबल में जो ज्यादा एंट्रीज तक टिकेगा या रॉयल रंबल जीतेगा वो होगा विनर। तो डोमिनिक मिस्टूरियो से शुरुआत हुई है रोमन रेंस की, तो ये तो दूर दूर तक रोमन रेंस को बाहर कर नहीं पाएगा छोटू हमारा। देखते हैं कितने नंबर तक टिकते हैं रोमन रेंस। रिवर्सल हो गया, अच्छा छोटू को रिवर्सल कर रहे हैं। ओके छोटू तेज हो गया पहले से, क्या चक्कर है। ओ भाई साहब सर के बल दे मारी है रोमन रेंस यार, छोटू को एक भी पंच नहीं पड़ा, छोटू उछल उछल के मार रहा भाई साहब रोमन को, ये तो गजब ही हो रहा है। कौन आया भाई साहब, बटिस्टा आ गए, बटिस्टा बॉम्ब लगे। ओ भाई साहब छोटू को आते ही उठा लिया बिल्कुल। ओ ये क्या था, दोनों एक साथ स्पीयर मारने का ट्राई कर रहे थे। अभी टीम अप ना कर लेंगे रोमन ने इसको अकेला मारे। जॉन सीना तो 16th एंट्रीज तक सर्वाइव कर गए थे, लेकिन अब रोमन देखो कितने नंबर तक टिकते हैं। और आते आते बटिस्टा बॉम्ब आ गया, बहुत अच्छे कुछ रोमांच आया फाइट में, और हेड टू हेड लगा दिया बटिस्टा ने रोमन। और गोल्ड बर्ग आ चुके हैं भाई साहब, कुछ जाती हो रही है रोमन रेंस के साथ, क्योंकि जॉन सीना वाले मैच में इतने बड़े बड़े प्लेयर शुरुआत में नहीं आए थे, लेकिन ठीक है रोमन भी एक बड़ा प्लेयर है अपने में। तो ट्राइबल चीफ है, अब तो ट्राइबल चीफ नहीं रहे, जेउस ने दगा कर दिए, लेकिन फिर भी ट्राइबल चीफ तो रोमन ही रहेंगे। अच्छा छोटू गोल्ड बर्ग का बाहर करने का ट्राई कर रहे हैं, छोटू की हिम्मत है। करना दे रोमन रेंस से ज्यादा तो मैं ये देख रहा हूँ। अरे गोल्ड बर्ग रिवर्सल कर दिया, इधर बटिस्टा रोमन को पीट रहा है। ब्रॉक लेसनर आ चुका है, ये तो भाई साहब पक्का जागती हो रही है WWE में रोमन रेंस के साथ। मतलब शुरू के 5-6 प्लेयर ही इतने तगड़े तगड़े आ चुके हैं, आते आते F5 लगा दिया बटिस्टा को ब्रॉक लेसनर ने, और सबको दो दो फिनिशर पहले ही देख रखे हैं मैंने, ताकि मैच में रोमांच ज्यादा रहे। और छोटू को आयरिश व्हिप से बाहर कर दिया रोमन ने, ओ सॉरी ब्रॉक लेसनर ने, और सुप्लेक्स सिटी, वेलकम टू द सिटी रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर जरूर कह रहे होंगे ये बात। अब ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग भिड रहे हैं, आपको वो लेजेंडरी मैच तो ध्यान होगा जो मेरे ख्याल 5 या 6 मिनट से पहले ही 2-3 मिनट में ही खत्म हो गया था, वो जब गोल्डबर्ग ने 2-3 बार स्पीयर मार के ब्रॉक को हरा दिया था। ब्रॉक तो शॉक हो गए थे कि मैं हार कैसे गया हूँ, और रोमन अभी तक तो टिके हुए हैं। अब बटिस्टा गोल्ड और गोल्ड, अब शेन मैकमैन भी आ चुके हैं, और नहीं, ओ भाई साहब मुझे लगा रिंग के बाहर फेंक देगा ब्रॉक लेसनर F5 के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, स्टंट हो गए रोमन। डेमन प्रीस्ट आ चुके हैं, जॉन सीना वाली मैच में डेमन प्रीस्ट जॉन सीना के साथ ही आए थे, इसमें 7th नंबर पे आए हैं। चलो 7 नंबर तक तो सर्वाइव कर ही चुके हैं रोमन रेंस, मुझे लग रहा है जॉन सीना से आगे ही निकल जाएंगे। और नेक ब्रेकर लगाया शेन मैकमैन, स्टंट ही पड़े हुए कुछ कर ही नहीं रहे, बटिस्टा बाहर होने वाले हैं ऐसा लग रहा है मुझे, और अंदर आ गए। एलिमिनेशन जल्दी जल्दी हो नहीं रहे क्योंकि प्लेयर सब तो तगड़े तगड़े आ रखे हैं पहले ही। अच्छा शेन मैकमैन कम से कम उठे तो यार, अच्छा ब्रॉक को मार रहे हैं शेन मैकमैन, ड्रू मैकइंटायर, भाई साहब मैच बहुत गर्म जा रहा है, सारे तगड़े तगड़े प्लेयर शुरू में ही आ रखे हैं। ड्रू मैकइंटायर कोई एलिमिनेशन कुछ हो, ज़्यादा प्लेयर्स हो जाते हैं रिंग में तो मज़ा नहीं आता है, गेट पीछे हो जाती है। और बटिस्टा बाहर, तीसरे नंबर पे आए थे बटिस्टा बाहर हो गए, रोमन पहले नंबर से आगे अभी तक टिके हुए हैं। डेमन प्रीस्ट बाहर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने रिवर्सल कर दिया, रोमन रिंग साइड रोप्स के पास अभी भी लेटे हुए। अच्छा रोमन की बॉडी लाल है, हेड येलो है, तीन, ओ भाई साहब ड्रू मैकइंटायर ने उठा के फेंक दिया शेन मैकमैन को। अब कौन है, ट्रिपल एच आ चुके द गेम, मुझे तो लग रहा
कि इतने तगड़े तगड़े प्लेयर हो रखे हैं, रोमन कब तक टिकेंगे। लेकिन भाई साहब अभी तक तो रुके हुए हैं, जॉन सीना को पछाड़ी ना देंगे। उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर की बारी आएगी, ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में उतरेंगे पहली एंट्री से, फिर उनको भी देखना होगा वो कहाँ तक टिकते हैं। तीनों में से जो ज़्यादा सर्वाइव करेगा या विनर होगा वही होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। डेमन प्रीस पड़े हुए अभी भी। रोमन यार एक भी मच्छी नहीं मारी है, मतलब स्पीयर नहीं मारी है। स्पीयर ना मारने का रीज़न ये भी हुआ, रोमन को स्पीयर मारने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता और स्पेस तो मिल ही नहीं रहा फाइट में। पूरा तो रिंग गिरा हुआ और ड्रू मैकइंटायर बाहर होने की उम्मीद नहीं, रिवर्सल कर दिया ब्रॉक लेसनर को। अब कौन सा प्लेयर आ रहा है, रोमन रेस को सुपरलेक्स लगा दिया, ट्रिपल एच स्टंट है और रोप्स के पास खड़े हैं। केन आ चुके हैं 10th नंबर पे। ओ उस प्राइम बस्टर लगा दिया ड्रू मैकइंटायर ने गोल्डबर्ग को। अच्छा आप ये देखें, ट्रिपल एच रोप्स पे खड़े हुए तीर से स्टंट और गोल्डबर्ग को बाहर कर दिया आते ही आते केन ने। केन यार सही है, गोल्डबर्ग को आते आते बाहर कर दिया। एंट्री इसमें 30 सेकंड पे है, वैसे 60 या 120 सेकंड पे भी रख सकता था मैं, लेकिन यार मज़ा नहीं आता उसमें मैच में। और भाई साहब पावर देखिए आप रोमन रेस की, सेफ फ्रीकिंग रॉलिंग्स आ चुके हैं 11th नंबर पे। सिर्फ 6 एंट्रीज और सर्वाइव करनी है रोमन रेस को जॉन सीना को पीछे छोड़ने के लिए। और ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर को बाहर करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। ट्रिपल एच का भी जलवा रहा भाई साहब अपने समय पे द गेम। और भाई साहब डेमन प्रीस्ट बाहर हुआ, आते आते सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को F5 लग गया। और ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक लेसनर को मार रहे हैं, फ्रीकिंग रॉलिंस ऐसे पड़े हुए हैं, रोमन रोप्स के पास आके लेट गए। और पेडिग्री केविन को पेडिग्री पढ़ने वाले केविन ओवेंस आ चुके हैं। रोमन का बॉडी रेड हो गई है, हेड ऑरेंज हो गया, पावर भी हेल्थ भी बहुत कम हो गई है। मुझे अब लग नहीं रहा बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे रोमन को, और कोई पीट ही रहा है इससे तो रोमन किसी को नहीं पीट रहे। और सुपरलेक्स लगा दिए ट्रिपल एच ने रोमन ने इसको। केन स्टंड है, रोमन पड़े हुए हैं, ट्रिपल एच भी पड़ गए और ड्रू मैकइंटायर कुछ बाहर। ओ भाई साहब लटका दिया रोमन को, रोमन अंदर आ गए, अरे बच गए साहब, बच गया, नहीं तो अभी तो एलिमिनेट हो ही जाते। बाल बाल बचे हैं रोमन ने। रोमन टिको भाई, विनर बनो या पेडिग्री पड़ी ड्रू मैकइंटायर को, पेडिग्री पड़ी है। और केन को बाहर करना चाह रहे हैं ब्रॉक, लेकिन कर ही नहीं पाए, जाने क्यों लेके घूम रहे थे रिंग में। केविन ओवेंस रिंग रोप्स के पास पड़े हुए हैं, कॉर्नर पे आराम कर रहे हैं, अपनी पावर को रीगेन कर रहे हैं। और फ्रीकिंग रॉलिंस को मार दिया अपने शील्ड मेंबर को। चलो कम से कम सोमन ने किसी को मार पीट तो रहे हैं। केविन ओवेंस के पास आ चुके हैं, केविन ओवेंस कोई बार अच्छा एलिमिनेट पता नहीं रोमन ने किसी को किया ही नहीं किया अभी तक। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि रोमन ने अभी तक किसी को एलिमिनेट किया है कि नहीं किया। डीडीटी लग गई, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है वीडियो में किसी को एलिमिनेट किया नहीं है इस रॉयल रंबल में अभी तक रोमन ने। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ड्रू मैकइंटायर अगर कोई इस समय ड्रू मैकइंटायर को बाहर कर दे, लेकिन ड्रू मैकइंटायर वापस अंदर आ गया। अच्छा रिंग में 8 जनों से ज़्यादा नहीं आएंगे जब तक 8 के बाद कोई एक एलिमिनेट होगा। और ट्रिपल एच को बाहर करना है बॉबी लैशली, ट्रिपल एच रिवर्सल कर दिया। इसमें यार कोई एलिमिनेट नहीं होना चाह रहा जल्दी, हर कोई रिवर्सल ही करे पड़ा। ट्रिपल एच भी रुक गए, केन भी रुक गए, 2 ही 3 प्लेयर अभी तक एलिमिनेट हुए। अच्छा ट्रिपल एच को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं रोमन ने। रोमन पहला एलिमिनेशन तुम्हारा हो जाएगा, बाहर करो बाहर करो। और अब भाई साहब रोमन ने मेरी बात सुनी है, कनेक्शन जोड़ा और केन को भी रिवर्सल कर दिया। चलो एक एलिमिनेशन तो किया है रोमन रेस ने, ट्रिपल एच को बाहर किया। कुछ रोमन रेस कुछ करो भाई, एक आध स्पेयर इस पर आया। अच्छा 14th नंबर पर जिंदर महल आ चुके हैं, चलो 14th नंबर तो आ गया।
अब बस 17वां नंबर आने की देर है, रोमन विनर जॉन सीना से आगे निकल जाएंगे। विनर तो अभी जब तक ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल होगा उसके बाद ही विनर घोषित होगा। रोमन फिर पड़ गए हैं रिंग साइड पे, रिंग साइड निकल रहा है बार बार रोप से, सुप्लेक्स लगाया बॉबी लैशली ने। अच्छा सब तगड़े तगड़े प्लेयर एक साथ ही इकट्ठे हो गए कि अच्छा लोग ने लगाया बॉबी लैशली को रोमन रेंज ने। अच्छा जिंदर महल ने स्ट्राइस प्राइम बस्टर लगा दिया, भाई साहब इंडियन प्लेयर है जिंदर महल, सही जा रहा है। थोड़ा सा शुरुआत में सही चला था, उसके बाद वो गायब ही हो गए। अब तो मेरे ख्याल रिंग में नहीं आ रहे हैं कुछ टाइम से। और ये फिनिशर लगा दिया जिंदर महल ने। अब कौन आया, 3-2-1 ओमोस। ओ भाई साहब ये सबसे तगड़ा आया ओमोस, ये रोमन को बाहर ना कर दे क्योंकि जितना लंबा है रोप्स से तो ऊपर ही निकल जाता है। 7 फुट का तो है यार ये, इसे तो उठा उठा के फेंकेगा ये बाहर सबको। और बाहर जिंदर महल बाहर होगा यार, शिट। इंडियन प्लेयर था थोड़ी देर लड़ता है यार, थोड़ी देर रुकता तो मज़ा आता। अभी तो डबल टीम अटैक हो रहा है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और ड्रू मैकिंटायर रिंग पे दूसरी बार लटके हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन किसी ने बाहर नहीं किया उनको। और केन बाहर ना कर दे, डबल हैंडेड चोक स्लैम लगाना चाह रहे थे लेकिन लगा नहीं पाया, रोमन ने रिवर्सल कर दिया। और ओबोस केविन ओविंस को चिपके हुए, केन लेटे हुए हैं, जिंदर महल तो बाहर ही चलेगा। और शेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के पीछे गए यार, कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा जल्दी जल्दी मैच में, बहुत लंबा खींच रहा, कोई एलिमिनेशन होता जाए तो मज़ा है। कितने प्लेयर रिंग में अभी, अच्छा केन लगा रहे चोक स्लैम केविन ओविंस को, और भाई साहब स्टंड हो गए केविन ओविंस। एलिमिनेशन करने पे कम ध्यान दे रहे हैं ये लोग, मारने पीटने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एलिमिनेट तो कर ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को। आयरिश विप देके एलिमिनेट कर रहे हैं ये तीसरी बार, और तीसरी बार रोप पे आए, इस बार बाहर हो गए ड्रू मैकिंटायर, सेथ विकिंग रॉलिंस ने किया। अच्छा एलिमिनेशन होते ही देखिए दूसरा प्लेयर आ गया, एले नाइट आ चुके हैं। ओमोस को डबल टीम अटैक करके बाहर करना चाह रहा है, ये स्ट्रेटेजी सही है। ओमोस सिंगल आदमी से तो बाहर, लेकिन डबल से भी बाहर नहीं हुआ भाई साहब ओमोस। केन और रोमन ने दोनों बाहर करना चाह रहे थे, एलिन नाइट ने ओमोस को लगा दिया नेक ब्रेकर। अच्छा फिनिशर लगा दिया भाई साहब। अच्छा केन रोमन ने इसको बाहर करना चाह रहा नहीं रिवर्सल कर दिया भाई साहब रोमन ने, इसने बच गए बाल बाल बच गए, ये तो बाहर हो जाते। पता नहीं मैंने ध्यान में भी कौन से नंबर का प्लेयर आया था रोमन, पता नहीं जॉन सीना से आगे निकले कि नहीं निकले। जल्दी नहीं एलिमिनेशन हो ताकि रोमन जॉन सीना से जीत पाए, एक भी स्पीयर नहीं आई है, तीनों को तीनों फिनिशर ऐसे ही है रोमन के पास। और स्टनर लगा दिया एलो नाइट को, कोई एलिमिनेशन करो भाइयो, सब ऐसे ही कैसे रुके हुए। ये प्लेयर देखना कौन से नंबर का आ रहा है, जॉन सीना 16 नंबर से टिके थे, 17 नंबर जब आया था तो जॉन सीना एलिमिनेट हो चुके थे तब तक, रोमन अभी भी मैच में बने। 17वां नंबर आ गया भाई साहब, रोमन आगे निकल गए, बस 18वां आ जाए शॉन माइकल आ चुके, बस 18वां नंबर आ जाए उसके बाद रोमन जॉन सीना से आगे निकल जाएंगे, हो सकता है विनर भी हो सकते हैं। बहुत तगड़ा मैच जा रहा है, अब मजा भी आ रहा है देखने में। कौन एलिमिनेट हुआ, अच्छा केविन ओविंस एलिमिनेट हो गए, बॉबी लैशली पड़े हुए रिंग साइड पे, और ओमोस भी लेटे हुए हैं। केन को बाहर करना चाह रहे हैं, रोमन बाहर करो थोड़ा दम लगाओ रोमन मेरे दोस्त, दम लगाओ। केन को तो बाहर कर ही नहीं पा रहे हैं, एक तो केन लंबे इतने अंदर आ गए, रिवर्सल कर दिया यार केन ने, रिवर्सल कर दिया। अच्छा रोमन के पास कोई रेजिलेंसी भी अवेलेबल नहीं है इस समय, अगर किसी ने बाहर करना चाहे तो कर भी देगा इजिली क्योंकि हेल्थ भी कम है और बॉडी और हेड दोनों। और बॉबी लैशली ने उठा लिया था भाई साहब, दोनों आते थे ऊपर उठा लिया था लेकिन बाहर नहीं कर पाए। रोमन बहुत सही जा रहे हैं वाकई में, ट्राइबल चीफ है यार रोमन, गजब है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं गजब। रोमन फर्दी ने किसको नेक ब्रेकर लगाते, इनविजिबल मैट था क्या कोई,
पता नहीं किसको ही नेक ब्रेकर लगा रहे थे। ओमोस के पीछे मत जाओ रोमन, ओमोस बाहर कर देंगे, ओमोस के पीछे मत जाओ। अच्छा मुंह पे पंच दे मारा, कौन से नंबर का प्लेयर आ गया। चलो जॉन सीना से तो आगे निकल ही गए रोमन, रोमन पिट बहुत गए यार, कट एंगल आ चुके 18 नंबर पे। चलो जॉन सीना से आगे निकल गए रोमन ने, अब देखना ये कब तक टिक पाते हैं। अगर विनर हो गए तो भाई साहब ब्रॉक लेसनर को विनर बनना पड़ेगा, तब रोमन के बराबर आएंगे, नहीं तो रोमन विनर हो जाएंगे तीनों में से। और रोमन ने ब्रॉ, चलो एलिमिनेशन किया रोमन ने, बॉबी लेसली को बाहर कर दिया, कट एंगल को मार रहे हैं ओमोस। अरे यार ओमोस को बाहर करने जा रहे थे रोमन, लेकिन केन ने पीछे से पकड़ लिया ओमोस का बाहर। शेमस आ चुके हैं 19th नंबर पे। रोमन रेस कॉर्नर पे आ रहा, अपनी पावर को रिगेन करते हुए, हेल्थ को रिगेन करते हुए। अच्छा ये सही स्ट्रेटेजी है, थोड़ा पिट जाओ यार। फिर रोमन रेस पता नहीं कौन सा इनविजिबल मैं इनको दिख जा रहा है, उसको नेक ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहा है बार बार। कोई इनविजिबल है क्या? मूवी आई थी इनविजिबल, मैं तो देखेंगे तो कोई इनविजिबल नहीं है यार रोमन। कट एंगल एक अगर स्पीयर मार दो रोमन तो कट एंगल बाहर। कट एंगल ने रिवर्सल कर दिया, अभी पूरी एंड पे कट एंगल रिवर्सल करना तो ऑब्वियस है, करेंगे ही करेंगे। अरे अरे भाई साहब रोमन ने बाहर हो गई यार, कट एंगल ने रिवर्सल में रोमन ने इसको बाहर कर दिया। और रिकोशी आ गए 20th नंबर, तो रोमन को 19th नंबर तक माना जाए कि 19वें नंबर तक रोमन टिके, सर्वाइव किया। ये आखिर ये बहुत गलत हो, इतना बढ़िया जा रहे थे रोमन, थोड़ी देर और रुकते तो ज़्यादा मज़ा आता। ऑल राइट, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट रॉयल रंबल मिलते हैं ब्रॉक लेसनर की फर्स्ट एंट्री के साथ। ब्रॉक लेसनर फर्स्ट नंबर से एंट्री करेंगे, देखते हैं क्या वो 19th नंबर तक टिक पाते हैं, क्योंकि जॉन सीना रुके हैं 16 नंबर तक और रोमन रेस रुके हैं 18 नंबर तक। चलो ऐसी एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।